एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट हेयर। कैसे हैं आप सब? आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, चाहे वो रूट्स टचअप हो, चाहे वो हाइलाइटिंग हो या खुद करने के लिए हाइलाइटिंग हो। तो मैं पहले थोड़ी अपनी क्लाइंट पे बताऊंगी आपको, और अपने आप खुद घर में कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगी, और कौन सा कलर रूट्स टचअप पे किया है मैंने वो भी बताऊंगी कैसे कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ है इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको लंबा जरूर लगेगा बट बहुत अच्छा लगेगा। पार्लर ना जाके अपने आप घर में कैसे कर सकते हो ये भी बताया मैंने, और अपने ऊपर ही लगाया कि साथ में दो काम एक साथ कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी आज मैं आपको, आप आसानी से कर पाएंगे अपने आप। तो वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। आज हम अपने बालों पे ही हाइलाइटिंग करेंगे। आप अगर घर में भी करना चाहते हो तो इससे आसानी से कर सकते हो। ये है स्टिक्स की अल्ट्रा लाइट, और इसमें आपको सारी चीज़ें दी होती हैं। जैसे कई बार मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको ब्लॉन्डर अलग लेना पड़ता है और डेवलपर अलग लेना पड़ता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये है एक नंबर ब्लॉन्डर, ये हमें थोड़ा सा इस टाइप का देगा कलर। और इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इसमें लिखने करने का तरीका भी दिया होता है साथ के साथ, और आपको कैसे बालों में कैसा कलर मिलेगा इस तरीके से दिया होता है। और यहाँ पर इसका नंबर होता है। इसमें जो भी चीज़ें दी गई होती हैं ये हमारे पास है, और यह है स्टिक्स। स्टिक्स के आपने देखे होंगे काफ़ी कलर मिलते हैं हमें, ट्यूब में भी मिलते हैं और इस तरह के पैकेट में भी, और भी अलग अलग तरह के दिए होते हैं। तो ये है ब्लॉन्डर, आप देख सकते हो स्टिक्स का इस तरह का पाउच, और इसके साथ ये पेपर दिया गया था जिसमें से आप इजी आसानी से पढ़ के कर सकते हैं। और इसके साथ ही दिया गया हमें ये ब्रश कलर लगाने के लिए, बट ये मुझे ज़्यादा बेटर नहीं लगता है तो मैं आज यहाँ पर ये यूज़ करूँगी। इस तरह का ब्रश आप ले सकते हो, और साथ ही दिया गया है ये डेवलपर। इसकी डेट और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ दिया गया होता है, जैसे ही लिखा है 12/18 से है तो ये हमारा 11/21 तक चलेगा। तो अगर आपके पास ये 2 साल भी पड़ा हुआ है तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करके हम बनाएंगे कलर। और इसके साथ दिया गया है हमें कंडीशनर। कई बार होता है आपको कलर करने के बाद थोड़ा सा, कई लोग शैम्पू कर लेते हैं, बट इसमें शैम्पू करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये बहुत सिल्की कर देता है, बालों को बहुत स्मूथ कर देता है। बट कंडीशनर की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है ताकि हमारे बालों को, बालों के कलर को लॉक कर दें, रोक के रखें उन्हें। और ये कंडीशनर से भी काफ़ी सिल्की हो जाते हैं, इसमें अलग कंडीशनर नहीं लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। साथ में दिए गए होते हैं हमें ये ग्लव्स। तो सारा सामान हमें एक ही पैकेट में दिया गया होता है, एक ही बॉक्स में मिलता है, और साथ में दिया गया होता है एक क्यूट सा बाउल जिसमें कि आपको कलर बनाने के लिए कोई कटोरी की किसी चीज़ की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कई बार हमारे पास कांच की कटोरी या प्लास्टिक की कटोरी नहीं होती है तो हम अपनी स्टील की कटोरी वगैरह यूज़ करते हैं, बट वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। स्टील का कोई बर्तन या लोहे का कोई बर्तन यूज़ नहीं करेंगे हम, हमेशा कांच का बाउल या प्लास्टिक की कटोरी का यूज़ करेंगे कलर के लिए। चाहे आप अपने सर में रूट टचअप कर रहे हो या कोई भी कलर कर रहे हो तो इस तरीके से। और साथ में ही मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, ये स्टिक्स का सिंगल गोल्ड कलर जो कि हमें गोल्डन कलर देगा बालों में। और इसके साथ ही आपको मिल जाते हैं स्टिक्स में ये भी। इसमें क्या है कि आप कई बार चाहते हो कि आपको रेड कलर चाहिए, तो रेड में ये हमारे पास है वाइब्रेंट रेड, और इसके साथ है सॉफ्ट रेड, पर सिंगल कर रही हूँ गोल्डन कलर ही। और इसमें भी हमें सभी कुछ दिया गया होता है, इसमें बाउल नहीं है हमारे पास। आप करने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि इस पर्चे को पढ़ लेंगे अगर आपने कभी भी नहीं किया है तो, करेंगे और कोई भी कलर लगाने से पहले आएंगे और कैसे करेंगे। ये कलर काफ़ी अच्छे हैं स्टिक्स के, और कई कलर में PDP सामग्री बहुत ज़्यादा दी हो गई होती है, बट इसमें 2% से ज़्यादा नहीं है और काफ़ी अच्छा रखेगा आपके बालों को और बहुत अच्छे तरीके से हाइलाइटिंग भी करेगा। तो ये हैं इनके कुछ शेड, और इसमें जो जो शेड हमें दिए पाए जाते हैं, सॉफ्ट रेड है, वाइब्रेंट रेड है, मोका ब्राउन है, कपीचो ब्राउन है, और क्या आपको इसमें, तो यहाँ पर हम करेंगे सॉफ्ट ब्राउन। सबसे पहले मैं ब्लॉन्डर डाल रही हूँ अपने इसी बाउल में, मिक्स करूँगी और आप देख लेंगे आपको किस तरीके से करना है। आज नेक एरिया की 2 लट करेंगे हम और उसी के अनुसार क्वांटिटी निकाल लेंगे इस तरीके से। बालों की लेंथ देखेंगे, अगर आपके बाल लंबे हैं तो सारा ही निकाल लेंगे और इसके अंदर मिलाएंगे हम ये डेवलपर। अगर आपके हिना वाले बाल हैं तो उनमें इतनी आसानी से कलर नहीं आता है, वो ऑरेंज कलर के दिखेंगे आपको। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपनी ब्रश से। ये
इस तरीके से मिक्स हो गया ये हमारा। अब हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे अच्छे से। यहाँ पर इनकी दो लेयर्स करनी है, तो नेक एरिया के दोनों साइड से ले रही हूँ लेयर्स। और बाल हमेशा वॉश होने चाहिए करने से पहले, और कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और फॉयल पेपर को इस तरीके से लगा लेंगे, और ब्रश ले लेंगे, और हाथों में ग्लव्स का यूज़ करेंगे। विदाउट ग्लव्स बिल्कुल भी ना करें, और अच्छे से एक एक बाल में लगाएंगे। आप ये मत सोचना कि ऊपर लग गया नीचे लग गया है, और बीच के बालों में नहीं लगाओगा तो वो बाल ऐसे ही रह जाएंगे आपके। तो अच्छे से मर्ज करके लगाएंगे, और इसे फॉयल पेपर से रैप करके कवर कर देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से करेंगे हम, अच्छे से बालों में अच्छे से फैला लेंगे। और इसे कम से कम हम 30 मिनट छोड़ेंगे। दूसरी साइड भी इस तरीके से लगा लें, 30 मिनट छोड़ेंगे। 30 मिनट बाद एक बार चेक कर लेंगे, अगर नहीं हुए तो वापस से मिक्स करके इसको दोबारा से रैप कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि ये बिना मेहंदी और बिना कलर के बाल है, ये लुक आएगा हमारा। आप चाहते हैं थोड़ा और करना तो कर सकते हैं। बिना मेहंदी वाले बालों पर और बिना कलर वाले बालों पर तुरंत रिजल्ट आ जाता है, बट जहाँ पर कलर के बाल होंगे तो वह आप देखेंगे कि कलर भी चेंज हो जाएगा और आपको रिजल्ट भी काफ़ी टाइम में मिलेगा। तो देखेंगे आप मेरे बालों में कलर है, और ये आया है इनके हेयर का लुक। तो मेरे बालों में देखेंगे किस तरीके से किया मैंने। यहाँ पर मैं रूट टचअप के लिए कर रही हूँ स्टिक्स का कलर, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डार्क ब्राउन। ये जेल कलर है, आपको दिखाऊंगी बॉक्स कैसा है इसका, और काफ़ी अच्छा है। तो मुझे सोची थी मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, तो आपको अपने हेयर में हाइलाइटिंग भी करना बताऊंगी। तो यहाँ पर रूट टचअप के लिए स्टिक्स का जेल कलर ले रही हूँ। जेल कलर काफ़ी अच्छा है, आप चाहेंगे तो मैं इसका रिव्यू दे दूँगी या करके दिखा दूँगी आपको, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और ये है जेल कलर, देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है। इसके कंडीशनर भी इसके साथ ही दिए होते हैं बॉक्स में, और अपने आप ही लगाती हूँ मैं फर्स्ट स्टार्टिंग से बैक तक खुद। आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से लगा सकते हो डिटेल में, तो मेरा वीडियो है पहले, वो चेक कर लेंगे। और ब्रश की सहायता से लगा रही हूँ, और मैंने शीट इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि मैंने ब्लैक सूट डाला, और शीट लगाते हैं थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका क्लाइंट है तो शीट ज़रूर लगाएं। और अच्छे से आप खुद लगा रहे हैं तो हाथों से एक बार अच्छे से फैला लें। सेल्फ हेयर लाइटिंग करने के लिए जैसे मैंने दो लेयर्स पे बताया था, वैसे आपको ये दिखा रही हूँ। आप चाहे तो ये बॉक्स ले सकते हैं, बट ये आपके बालों पे कम ना पड़ जाए तो आप ये भी ले सकते हैं। इसमें छोटा शीशा मिल जाएगा, ये है ब्लॉन्डर स्टिक्स का, और ये है डेवलपर। ये 12% है, 40 वॉल्यूम, और 20 वॉल्यूम हम अपने बालों में रूट्स एरिया पर अप्लाई करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ करना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, अगर आप पार्लर साइड लेना चाहते हैं तो, या फिर आप ये भी ले सकते हैं। और अगर आप रेड और गोल्डन करना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक पाउच रेड गोल्डन का है और दूसरा रेड का है, क्योंकि पहले हम गोल्डन करेंगे और फिर रेड करेंगे तभी हमारे बालों पर कलर आएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हो दोनों में एक ही तरह का है, ये पाउच में से निकला है और ये मेरे पास बॉक्स में है, तो सेम ही कलर है बिल्कुल। मैं इसमें से निकालूंगी अब, और जितने आप हेयर पे करना चाहेंगे इस तरीके से, मैंने इतना निकाला है क्योंकि आज मैं कर रही हूँ अपने फुल लेंथ पर। किस तरीके से करेंगे ये लिया है मैंने, और इसके अंदर क्वांटिटी देखकर ही मिलाऊंगी मैं। पतला पेस्ट बन जाना चाहिए, आप उतना मिलाएंगे। तो देखते हैं कितने ढक्कन डालेंगे हमारे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमेशा ध्यान रखें कभी भी स्टील के या लोहे के बर्तन में नहीं बनाएंगे, हमेशा आप कांच के या फिर प्लास्टिक के बाउल में बनाएंगे। और ये इसके साथ दिया गया होता है, काफ़ी अच्छा है। ये हो जाएगा हमारा कलर, और देख रहे हो बहुत इजी हो जाती है घर में करनी हाइलाइटिंग आपके लिए। रेड कलर भी कर सकते हो, मैं अपनी किसी वीडियो में आपको रेड कलर करके दिखाऊंगी। और जो मैंने रूट टचअप में किया है वो भी स्टिक्स का ही कलर है, ये देख सकते हो स्टिक्स का कलर है, 3 डार्क ब्राउन टेंडर लविंग कलर सॉफ्ट जेल हेयर कलर है ये, जो मैंने रूट टचअप में किया, ये जेल हेयर कलर है। और इसके साथ है फ्रूट और कीवी है ये, तो देख सकते हो। और सारे मैं स्टिक्स के यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमारा बन चुका है पेस्ट, और अपने हेयर में करने के लिए मैं निकालूंगी सेक्शन। अपने कलर करने के लिए आप रबड़ ले लेंगे, रबड़ लगा रही हूं मैं। और यहां पर ही लगाएंगे हम दूसरा रबड़। इतने यहां से हमारे स्टेप शुरू हैं,
तो आप चाहें तो इन्हें दो हिस्सों में बांट लें ताकि कलर आपके बालों में अच्छे से फैल जाए। इस तरीके से और इन्हें अच्छे से कलर करेंगे हम। इतना मैंने दो पोनी करके रबड़ लगाई और जहाँ पर नीचे वाले रबड़ लगाए तो वहाँ से शुरू करूँगी मैं हाइलाइटिंग। तो आप भी देख लेंगे कितने एरिया पर लगाना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे आप। यहाँ पर कलर लगाएंगे अपने बालों में। मैंने एक चाहेंगे तो चार सेक्शन कर लेंगे, बट एक दो चोटियों में बहुत आसान हो जाता है। और आप चाहेंगे तो चार सेक्शन करके लगाएंगे तो उसमें जल्दी लग जाएगा। और इसमें आप सोचेंगे ऊपर ऊपर ना लगाऊं, बीच में से भी अच्छे से रब करके इस तरीके से लगाएंगे ताकि आपके बालों के अंदर अच्छे तक लग जाए। क्योंकि अंदर नहीं लगेगा तो वहाँ पर आपका ब्लोंड नहीं हो पाएगा, बाल कलर नहीं हो पाएंगे। अच्छे से मर्ज कर करके लगाएंगे बिल्कुल, ताकि हर जगह अच्छे से कलर फैल जाए। इस तरीके से अपनी फिंगर की सहायता से, और ग्लव्स ज़रूर डालेंगे क्योंकि हाथों में लगेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से जहाँ भी आपको लगता दिखता है नहीं लगाया तो वहाँ पर अच्छे से लगाएंगे। और फिर एक फॉयल पेपर ज़रूर लेंगे, फॉयल पेपर के बिना नहीं कर पाएंगे आप। इस तरीके से फॉयल पेपर लेंगे और इसमें अच्छे से रैप कर देंगे। कहीं पर आपको लगता है कि कम लगाए तो वहाँ पर दोबारा लगाएंगे। जिसके मोटे बाल हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी तो वो चार सेक्शन करें और काफ़ी पतले पतले सेक्शन कर करके ही लगाएं, क्योंकि हर हेयर पर लगना ज़रूरी होता है प्रोडक्ट। दूसरी साइड आ जाएंगे तो यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे बिल्कुल। और क्वांटिटी देखकर बनाएं, आप किस तरीके से करना चाहते हो, एक लेयर्स करना चाहते हो या पूरे बालों में करना चाहते हो या ग्लोबल भी होता है, वो अपने बालों में नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाते हैं उसमें। आप थोड़ा बहुत इस तरीके से करना चाहते हो तो आसानी से हो जाएगा और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। पूरे स्टेप कट है मेरा तो पूरे जगह जगह पर आएगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। सारे बालों में बैक पे फुल पे हो जाएगा मेरे, जितने भी सेक्शन हैं इस तरीके से लगाएंगे और इसको भी फॉयल पेपर में रैप कर देंगे इस तरीके से। और टाइमिंग मेरे में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, रूट्स एरिया का मैं 30 मिनट रखूँगी तो 30 मिनट इसको देखूँगी, और 30 मिनट में नहीं होगा तो मैं थोड़ा 5 या 10 मिनट छोड़ दूँगी इस तरीके से। और पूरे हेयर को एक ही साथ वॉश करूँगी। देख सकते हो मेरे कितना लाइट शेड आया, क्योंकि मेरे कलर वाले हेयर हैं तो कलर वाले हेयर पे इनका थोड़ा सा रेड तो नहीं कह सकते, डार्क ब्राउन जैसा शेड आएगा। और फॉयल पेपर से इसको क्लीन कर लेंगे एक बार। और देख रहे हो मैंने शीट लगाई होती तो ढंग से भी नहीं होता, ब्लैक कपड़ों पे है तो वॉश हो जाएंगे आसानी से। अब रबड़ निकाल लेंगे, मैं ज़्यादा डार्क भी नहीं करना चाहती थी इसीलिए वॉश कर लिया है मैंने। और वॉश करने के बाद जो इसके साथ ही दिया होता है कंडीशनर, वो ज़रूर लगाएंगे आप इस तरीके से। और फिर बालों को कंडीशनर बहुत अच्छा है इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत स्मूथ कर देगा आपके बालों को। और कई बार होता है हाइलाइटिंग के बाद आप या तो मास्क लगाएं या कंडीशनर लगाएं, वरना तो आपके बाल बहुत रफ़ और डैमेज से दिखाई देंगे आपको। और आप देखेंगे मैं कर्ल करके दिखाऊंगी बाद में कितना अच्छा लुक मिलेगा आपको, कितना अच्छा लगेगा। और अपनी क्लाइंट के भी हेयर आपको दिखाऊंगी। ये देख रहे हो कितना अच्छा है, फुल हेयर में हो गया है। मैंने पोनी करके किया था फिर भी ऊपर से लेंथ तक आया है कलर, इस तरीके से देख सकते हो। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, मेरे कर्लिंग हेयर है तो जगह जगह मुझे यही चाहिए था और यही मिला है मुझे। कर्ल करके भी आप इनका लुक देखोगे कितना अच्छा आएगा। ये मैंने कर्ल कर लिए हैं दोनों साइड से, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है कि आपको कहीं पार्लर भी ना जाना पड़े और आप चाहते हो थोड़ा बहुत चेंज अपने आप खुद कर लें हाईलाइटिंग के जरिए। काफ़ी लुक चेंज हो जाता है आपका ऐसा करने से, तो आप कर सकते हो आसानी से स्ट्रिक्स के प्रोडक्ट लेके घर में ही। और ये देख सकते हो मेरा पूरा लुक। तो मुझे कर्ल हेयर बहुत अच्छे लगते हैं अपने फेस पर। आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पे आप अच्छे अच्छे मेकअप के वीडियो देखना चाहते हैं तो कल अपलोड करूँगी, जरूर देखना। और ये देख सकते हैं मेरे क्लाइंट का, ये विदाउट मेहंदी और विदाउट कलर वाले हेयर है, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। बाय, थैंक यू।